कैथल दे विच सिख नौजवान की कुटमार मामले दे विच पुलिस दे वल्लों SIT का गठन किया गया। DSP गुरविंदर सिंह की अगवाई दे विच 5 मैंबरी कमेटी बनाई गई है। मुलजमां की पछाण ते सूचना देने वाले नूं इनाम दिता जाएगा। दस दिए कि खालिस्तानी कह के एक सिख नौजवान ते हमला किया गया सी, ए उसदे इल्जाम सन। सो हुण पुलिस दे वल्लों मुलजमां ते 10,000 का इनाम रख्या गया। बकायदा इस पूरे मामले ते SIT का गठन किया गया। सीनियर मुलाजम होणगे जो इस मामले की पैरवाई करनगे, डुगाई तक जाणगे, पता करनगे कि आखिरकार वो पूरा मामला की सी, किस तरीके दे नाल खालिस्तानी कह के सिख नौजवान दे नाल कुटमार की गई। और ये मामला इन्हें दिनी चर्चा का विशा बनया होया और गरमाया होया। तो पुलिस के वलों मुलजमां ते 10,000 का इनाम भी रख्या गया। इस मैटर में जो कंप्लेनेंट है उसकी कंप्लेंट के ऊपर FIR रजिस्टर कर दी गई है। सिविल लाइन में कल FIR रजिस्टर हो चुकी है। उसमें हमने DSP गुरविंदर सिंह है उनके अंदर में एक SIT बना दी गई है जिसमें 5-4 मेंबर है। उनके अलावा SIT है वो हर एक पहलू पे अपना जांच कर रही है। पूरे शहर के CCTV कैमरे हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से खंगाले जा रहे हैं। इसमें जो भी अक्यूज होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। मेरी साथ ही सभी जो जनप्रतिनिधि है उनसे भी अपील है कि कुछ मतलब जो शहर में है वो शांति बनाए रखे। पुलिस अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है और जो भी अक्यूज मिलेंगे उनको किसी भी कीमत पे बख्शा नहीं जाएगा। हमारी तरफ से काफी CCTV फुटेज अभी चेक किए गए हैं। काफी में हमें उनकी फोटो तो दिख रही है बट वो अभी तक उसकी जो नंबर प्लेट है वो क्लियर नहीं हुई है। उसके लिए हमारी टीम कंटिन्यूस काम कर रही है। इसके अलावा हमने पब्लिक में भी रिवॉर्ड के लिए भी हमने डाला है कि जो भी पर्सन है, एक ब्लैक बाइक के ऊपर दो लोग हैं, उन्होंने ब्लैक कलर के कपड़े और जीन्स पहन रखी है, इस तरीके के पर्सन है, एक ने पीछे वाले ने पढ़ना डाल रखा है, तो इस तरीके की बाइक या कोई भी हमें क्लू देता है तो उसको 10,000 का रिवॉर्ड दिया जाएगा। इसके लिए ज्यादा से ज्यादा मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहूंगी कि हमने नंबर इसमें दे रखे हैं, SHO सिविल लाइन का नंबर दे रखा है, उसके अलावा हमारे कंट्रोल रूम का नंबर है, तो किसी के पास भी इंफॉर्मेशन है तो वो हमें जितनी जल्दी वो हमें प्रोवाइड कर सकते हैं। उनका नाम गुप्त रखा जाएगा, उनकी कोई भी पहचान कहीं पे भी डिस्प्ले नहीं की जाएगी। तो आप जनता से भी मेरी अपील है कि हमें सहयोग करिए इस केस को ट्रेस करने में। धन्यवाद। कैथल दे विच सिख नौजवान दी कुटमार मामले दे विच पुलिस दे वल्लों SIT दा गठन किया गया। DSP गुरविंदर सिंह दी अगवाई दे विच 5 मैंबरी कमेटी बनाई गई है। मुलजमां दी पछाण ते सूचना देने वाले नूं इनाम दिता जाएगा। दस दिए कि खालिस्तानी कह के एक सिख नौजवान ते हमला किया गया सी, ए उसदे इल्जाम सन। सो हुण पुलिस दे वल्लों मुलजमां ते 10,000 दा इनाम रख्या गया। बकायदा इस पूरे मामले ते SIT दा गठन किया गया। सीनियर मुलाजम होणगे जो इस मामले की पैरवाई करनगे, डुगाई तक जाणगे, पता करनगे कि आखिरकार वो पूरा मामला की सी, किस तरीके दे नाल खालिस्तानी कह के सिख नौजवान दे नाल कुटमार की गई। और ये मामला इन्हें दिनी चर्चा का विशा बनया होया और गरमाया होया। तो पुलिस के वलों मुलजमां ते 10,000 का इनाम भी रख्या गया। इस मैटर में जो कंप्लेनेंट है उसकी कंप्लेंट के ऊपर FIR रजिस्टर कर दी गई है। सिविल लाइन में कल FIR रजिस्टर हो चुकी है। उसमें हमने DSP गुरविंदर सिंह है उनके अंदर में एक SIT बना दी गई है जिसमें 5-4 मेंबर है। उनके अलावा SIT है वो हर एक पहलू पे अपना जांच कर रही है। पूरे शहर के CCTV कैमरे हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से खंगाले जा रहे हैं। इसमें जो भी अक्यूज होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। मेरी साथ ही सभी जो जनप्रतिनिधि है उनसे भी अपील है कि कुछ मतलब जो शहर में है वो शांति बनाए रखे। पुलिस अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है और जो भी अक्यूज मिलेंगे उनको किसी भी कीमत पे बख्शा नहीं जाएगा। हमारी तरफ से काफी CCTV फुटेज अभी चेक किए गए हैं। काफी में हमें उनकी फोटो तो दिख रही है बट वो अभी तक उसकी जो नंबर प्लेट है वो क्लियर नहीं हुई है। उसके लिए हमारी टीम कंटिन्यूस काम कर रही है। इसके अलावा हमने पब्लिक में भी रिवॉर्ड के लिए भी हमने डाला है कि जो भी पर्सन है, एक ब्लैक बाइक के ऊपर दो लोग हैं, उन्होंने ब्लैक कलर के कपड़े और जीन्स पहन रखी है, इस तरीके के पर्सन है, एक ने पीछे वाले ने पढ़ना डाल रखा है,
तो इस तरीके की बाइक या कोई भी हमें क्लू देता है तो उसको 10,000 का रिवॉर्ड दिया जाएगा। इसके लिए ज्यादा से ज्यादा मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहूंगी कि हमने नंबर इसमें दे रखे हैं, SHO सिविल लाइन का नंबर दे रखा है, उसके अलावा हमारे कंट्रोल रूम का नंबर है, तो किसी के पास भी इंफॉर्मेशन है तो वो हमें जितनी जल्दी वो हमें प्रोवाइड कर सकते हैं। उनका नाम गुप्त रखा जाएगा, उनकी कोई भी पहचान कहीं पे भी डिस्प्ले नहीं की जाएगी। तो आप जनता से भी मेरी अपील है कि हमें सहयोग करिए इस केस को ट्रेस करने में। धन्यवाद।